मैं आप सबका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे खस्ता गुलगुले। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो देखिए, सबसे पहले हमने ये 250 ग्राम एक बाउल सपोज मैंने ये आटा लिया है और ये मैंने 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और ये मेरा 5 टेबलस्पून शुद्ध, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। तो इसके लिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखिए फ्रेंड्स गैस जलाई और यहाँ पे मैंने एक ये रख दिया है बर्तन। इसमें अब मैं गुड़ को पिघलाऊंगी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसको उबालने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये करीब 4 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया है। अब मैं इसको उबाल रही हूँ और जब ये उबल जाएगा तो इसमें मैं गुड़ डालूंगी पिघलाने के लिए, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पानी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गया है, तो हम इसमें ये जो गुड़ है हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ये हम इसमें डाल देंगे और गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। आराम से डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये पानी उछल के अपने हाथ में भी आ सकता है। और इसको हम अब चलाएंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और ये जो गुठले हैं फ्रेंड्स इसको अच्छे से तोड़ लेंगे और पानी में इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जल्दी जल्दी आपको चलाना है, नहीं तो ये भगोनी में या बर्तन में आपका नीचे लग सकता है। आप अगर मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं। जैसे आधा क्वांटिटी गुड़ लिया है मैंने, तो आप इसमें आधी गुड़ और आधी शक्कर मिला सकते हैं, तो उससे शक्कर से मीठा भी हो जाएगा। मैंने खाली गुड़ ही लिया है इसमें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही साथ ये इसको मिलाते रहेंगे ताकि ये इसका जो है गुड़ अच्छे से पानी में मिक्सअप हो जाए, क्योंकि पानी मेरा बहुत खौल गया है इसीलिए मैं इसमें मेरे गुड़ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो हम इसको ऐसे से चलाते रहेंगे थोड़ा, जब तक कि ये हमारे गुड़ के पीसेस जो फ्रेंड्स है ना ये इस टाइप के ये खुल ना जाए। बहुत ही अच्छे खस्ता गुलगुले बनते हैं फ्रेंड्स। और कल तो बड़बावस है, बहुत सी बहनें फ्रेंड्स हमारी लेडी जो है वो बड़बावस का व्रत रखती होंगी, तो इसमें ये मेन इंग्रेडिएंट है, मेन सामग्री होती है जो ये बनती है। तो इसके लिए मैंने कहा कि आज बड़मावस का एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश करती हूँ, एक अच्छी रेसिपी पेश करूँगी आपके सामने ताकि आप बहुत झटपट इसको बना लें और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए पानी में मिक्सअप हो गया है, बिल्कुल भी इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद में मैं इसको छानूँगी, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स ये पानी मेरा गुड़ का जो मैं पहले बनाया था, मैंने गर्म किया था गुड़ को पिघलाने के लिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे छानेंगे, पूरा अच्छे से हम इसको छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ कचरा होगा गुड़ में तो वो निकल जाएगा। ये हमने छान लिया इसको, अब हम इसको एक तरफ रख के ये फ्रेंड्स मेरा जो तसला है ये लूँगी मैं। और इसमें हमने वैसे जो आटा लिया है एक बाउल, इसको मैं इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे करके। जितना फ्रेंड्स आपको गुलगुला बनाना है उतना आटा आप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने ये आटा लिया है एक बाउल और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमारा जो मोयन है फ्रेंड्स ये मोयन हम इसको डाल देंगे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स नहीं तो ये हमारे गुलगुले फट जाएंगे। 2 चम्मच ये हमने मोयन डाल दिया। अब हम ये पानी से इसको मारेंगे पूरी के जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे ये पानी डालते हुए हम थोड़ा थोड़ा
इस तरह से मारते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको मारते जा रहे हैं। ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, नहीं तो हमारे गुलगुले फैल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको डाल डाल के देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम पानी ले रहे हैं और ये हम डाल डाल के इसको मारते जा रहे हैं। और इसको बिल्कुल हम पूरी के जैसा खड़ा मार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट हमारा मर चुका है थोड़ा सा, और मैं इसमें गुड़ का पानी मिलाऊंगी और हम इसको जितना मारेंगे, मारन देंगे, उतना ही ये सॉफ्ट हमारे गुलगुले बनेंगे। बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं कि पकौड़े के जैसा घोल लेते हैं आटा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मार लेते हैं और एक पूरी की तरह हम इसको मारन दे दे के मारते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको तेल भी डालते जाते हैं, इससे ये गुलगुले एक नए टाइप के हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये बनने के बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट मेरा आटा मर चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ना ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है, पूरी के समान है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा तेल लगा के यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ पे हमने इसको तेल लगा के फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया है, ज़्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो ये मुलायम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रखी है और इसको मैंने कर दिया है ऑन कर दिया है, और सिम पे करके मैं इसमें अपना तलने का तेल डाल देती हूँ ताकि वो गर्म हो जाए। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे गुलगुले बना लेंगे अपने तलने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे छोटे छोटे इस तरह से तोड़ लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं। अब ये क्या करूँगी मैं, इसको गोल 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 करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऐसे ऐसे गोल करेंगे, जो ये हमने आटा मारा था फ्रेंड्स, ये देखिए ये आटा मारा था। अब इनको छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने, तो इस तरह से मैं लूँगी। ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा, जितना बड़ा आपको गुलगुला बनाना है उतना बड़ा पेड़ा ले लीजिए और अपने हाथ से ये दोनों उंगलियों के बीच में इसको रख के और ऐसे गोल 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 करिए। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये क्रैक ना आए, नहीं तो ये के जब हम तलेंगे तो ये टूट जाएंगे। इस तरह से बना बना के आप हर पेड़े को रख सकती हैं यहाँ पे। ये इस तरह से बने रखी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़े इस तरह से हमें बनाने हैं गोल गोल। ये इसी तरह से मैं इसको भी बनाऊंगी, इसको ऐसे गोल गोल कर लेंगे, सारे पेड़े हम ऐसे गोल गोल बना लेंगे। ये इस तरह से गोल गोल बना के हमें इसको गैस में तेल जो रखा है ये बहुत ज़्यादा गर्म करना है, इसके बाद में सिम कर देना है। ठंडे में मत डालिएगा फ्रेंड्स इसको, नहीं तो ये चूहे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। इस तरह से ये हमने सारे अपने गोलियाँ बनानी हैं, हाथ से लेके हल्के हाथ से ऐसे ऐसे घुमाना है जैसे लड्डू बनाते हैं अपन, ये ऐसे। और फ्रेंड्स एक बात इसका ध्यान रखिएगा, इसमें मोयन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा मोयन नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया है। एक बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ये मोयन लिया था, तो मैंने मुश्किल से 1 टेबल स्पून इसमें मोयन डाला है। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने सारे ये गुलगुले जो हैं ये देखिए ये तैयार कर लिए हैं, और बाकी के भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा तेल बिल्कुल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो गुलगुले हैं इनको इसमें डाल दूँगी फ्रेंड्स, और थोड़ा गैस को हम तेज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे, थोड़ा हाथ से हिला हिला कैसे, और आप इसमें छोड़ती जाइए गैस को, आप थोड़ा धीमा कर दीजिएगा। ये इस तरह से डाल दिए, ये बहुत ही जल्दी बनने वाले ये गुलगुले हैं, मीठे गुलगुले हैं, खस्ता गुलगुले हैं ये। और हम इसको देखिए ऐसे चलाते जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स
ये देखिए मैं जूम करके बता रही हूँ, ये हम इसको ऐसे चलाते जाएंगे, धीरे धीरे पलटेंगे क्योंकि ये कहीं टूट ना जाए, ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गैस को थोड़ा सा तेज करूँगी। इसमें बस हीट करता ध्यान रखिए, जब हीट ठंडी हो जाती है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ताकि हमें इसको पका तलना है अच्छे से ये, और गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इनको। थोड़ी मीडियम ही आंच पे पकाइएगा फ्रेंड्स इसको, ज़्यादा हीट देने से क्या अंदर से ये कच्चे रह सकते हैं, और धीरे धीरे पलटती जाइए इनको। ये मीठे गुड़ के गुलगुले हैं, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होते हैं, खस्ता होते हैं, इसलिए हम इसको गुलगुले कहते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे तल लेंगे चलाते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे ऑलमोस्ट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को धीमा करती हूँ और ये जो गुलगुले हैं इनको मैं धीरे धीरे करके अपनी प्लेट पे, ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के हो जाएंगे, हम इसको निकाल लेंगे। गैस को फ्रेंड्स धीमा कर दीजिएगा, नहीं तो ये आटे के हैं इसलिए जल्दी जलने की इसकी संभावना रहती है। हमें ज़्यादा इसको कड़ा नहीं करना है और ना ही ज़्यादा इसको तलना है। इस तरह से हम सारे गुलगुले अपने ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरे देखिए कितना खस्ता गुलगुले बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ही पक गए। इसी तरह से मैं अपने सारे गुलगुले तल के निकालती हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना और गुलगुले बना के इसमें डाल दिए हैं, अब मैं इनको तल रही हूँ। फ्रेंड्स, तलने में एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये एक दूसरे से ना न चिपके और अच्छे से सिक जाए करारे। तो इसके लिए हमें गैस को धीमी और तेज करते रहना, अगर हमें गैस तेज हो जाती है, और तेल को इस तरह से आप ऊपर से डालते जाइए और इनको बीच बीच में घुमाते जाइए ताकि ये अच्छे से सिक जाए। बर्मावस में फ्रेंड्स बहुत ही मेन ये रहती है इसकी रेसिपी गुलगुले की, और ये जो व्रत होता है ये सुहागनें जो होती हैं यूपी में मोस्टली, और जो वो एमपी में बहुत सी रखती हैं, व्रत रखती हैं, और इन पीपल के पेड़ के नीचे इन गुलगुले के और पुआ, मीठा पुआ बनता है इसी का। ये हमने गोल गोल कर दिया, इसकी आटा जो माड़ा था उसको हम बेल लेते हैं और उसके बाद में वो उसको हम पूरी के जैसे सेक लेते हैं, मीठे पुए बन जाते हैं वो। इसका मेन भोग लगता है, सत्यवान सावित्री की कथा कही जाती है इसमें, और ये हिंदुओं का एक बहुत ही अच्छा सुहागिन लेडीज का व्रत होता है। इस पर अपने हस्बैंड की आयु के लिए वह वरदान मांगा जाता है, तो इसके भोग में सावित्री सत्यवान के कथा में ये गुलगुले पीपल के पेड़ पे और माता सावित्री को चढ़ाए जाते हैं, देवी माता को चढ़ाए जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको गुलगुले कैसे बनते हैं ये आपको बताया मैंने। और इसको मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स को लेकर, खाली 3 इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाए हैं, ज़्यादा भी इसमें सामग्री नहीं ली और टाइम भी बहुत कम लगता है। हमको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इसका आटा मारते हैं तो हमें तुरंत ही गुलगुले बनाने पड़ते हैं, नहीं तो इसका आटा जो होता पतला हो जाता है तो वो फटने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट होने वाले हैं। गैस मेरी बहुत तेज हो गई तो मैंने इसको धीमा कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी देर, हम इसको घुमा घुमा के पकाएंगे। आपको ये मेरे गुलगुले की रेसिपी
बहुत पसंद आएगी। ये आप जो होता है किसी भी मीठे खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हैं, और ये बनिए बहुत ही मीठे लगते हैं, जैसे अपन मिठाई खाने के बाद खाते हैं इसी तरह से आप इसको भी रख सकते हैं। आप इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही नॉर्मल डिब्बे में करके रख दीजिए और आप इसको कम से कम एक हफ्ता तो आराम से खा सकते हैं। ये कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ इसमें नहीं है और बहुत ही हेल्दी है। आटा लिया है मैंने इसमें और गुड़ लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे हेल्थ के लिए रहते हैं। और थोड़ा सा कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए फ्रेंड्स, घी, और तलने में भी मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है, घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये अपने हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरे ये गुलगुले हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे इस तरह से ये गुलगुले पूरे तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने इनको ऐसे प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी गुलगुले की, गुड़ के गुलगुले की बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए और पास में जो आइकॉन बेल आएगी उसको दबाना मत भूलिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। तो एक बार फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड मैं फिर से आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने लेके आऊँगी, बिल्कुल झटपट बनने वाली। और इसी तरह से मैं आपको अपनी नई नई रेसिपीज से अवगत कराऊँगी। तो टिल दैट टाइम प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैड अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।